श्री गुरु सिंह सभा जारंगडी में भी सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव साहब जी का 413वां शहादत दिवस मनाया गया। गुरु जी की आत्मा की शांति और शीतलता के लिए जारंगडी गुरुद्वारा में सारी संगत मिलकर करीब एक सप्ताह से सुखमुखी साहब का पाठ किया और बाबा हीरा सिंह जी ने सहज पाठ करीब एक महीने से रखा हुआ था, जिसकी आज समाप्ति हुई और पाठ के उपरांत चना प्रसाद और मीठा जल का वितरण किया गया। वहीं जारंगडी मुख्य मार्ग से आते जाते राहगीरों को भी इस अवसर पर चना व मीठा जल पिलाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा में भजन कीर्तन भी किया गया। वहीं भजन कीर्तन सुन लोग निहाल हो उठे। साथ ही इस मौके पर गुरु अर्जुन देव जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। बताया कि गुरु अर्जुन देव जी जुल्मों के खिलाफ लड़ने वाले थे और उसे रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, गरीबों की मदद करते थे। गुरु अर्जुन देव जी मुगलों के हाथों शहीद हुए थे, वे अपना बलिदान देकर धर्म की रक्षा किए। इस महान कार्य को करने के लिए सरदार सुरदुल सिंह, सरजीत सिंह, रणधीर सिंह, राजकुमार सिंह, अवतार सिंह, सतपाल सिंह, हरजिंदर सिंह, जिंदे सिंह, राकी सिंह, सोनू इत्यादि लोगों की सराहनीय भूमिका रही। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। अंग्रेजों के राज में बहुत बड़ा शोषण हो रहा था सिख कौम का, हिंदू कौम का, उसके लिए इसको बहुत तसीहा दिया गया। उसके बाद इसको गर्म आग पर बैठाया गया, वो बल्कि देग में बैठाया गया, उसी के ही पर उसके बाद वो लोग हुए हैं, उसी का ही पर हम लोग ये ठंडा शरबत आम दुनिया को, आम जनता को पिलाते हैं। ताजा और अपडेट न्यूज के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।